अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा के शानदार शतक ने विश्व कप की सभी टीमों को मुश्किल में डाल दिया है। इस शतक के साथ ही रोहित शर्मा ने बुधवार को कई रिकॉर्ड्स भी ध्वस्त कर दिए हैं, जिसमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कैरेबियन पिंच हिटर क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी शामिल है। रोहित शर्मा के बल्ले से एक अरसे बाद निकले इस शतक ने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी है। उसके पीछे कारण क्या है, रोहित ने कौन से रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। को अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय कप्तान पुराने रोहित शर्मा के अंदाज से भी एक कदम आगे नजर आए। अमूमन रोहित शर्मा जब भी शतक लगाते हैं तो स्ट्राइक रेट 90 से 110 के बीच रहता है, उसके बाद वो गियर बदलते हैं। लेकिन बीते कल रोहित शर्मा ने मैदान पर उतरते ही बल्लेबाजी की गाड़ी सीधे टॉप गियर में डाल दी और महज 63 गेंदों में शानदार शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा ने कुल 84 गेंदों में 155.95 की स्ट्राइक रेट से 131 रन की पारी खेली। इस मैच में रोहित नाबाद नहीं रहे, राशिद खान ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया, लेकिन तब तक वो भारत की बड़ी जीत सुनिश्चित कर चुके थे। शतक जड़ने के साथ ही रोहित ने कल ये भी बता दिया कि आर रोहित शर्मा का मतलब रामपंत रोहित शर्मा की बजाय आप रिकॉर्ड ब्रेकर रोहित शर्मा भी मान सकते हैं। रोहित के आतिशी शतक ने जहां एक तरफ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के विश्व कप में सर्वाधिक 6 शतकों के रिकॉर्ड को धराशाही किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कैरेबियन क्रिकेटर क्रिस गेल के इंटरनेशनल क्रिकेट से सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। पारी के 8वें ओवर में नवीन उल हक की 5वीं गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाते ही रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 534 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। अब रोहित के नाम कुल 536 छक्के दर्ज हुए हैं। दूसरी तरफ रोहित के बल्ले से शतक निकलते ही विरोधी टीमों के माथे पर शिकन उभर आई है। इसके पीछे भी कई अहम कारण हैं। रोहित शर्मा पिछले लंबे अरसे से शतक तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब वो फिर से लय में आ चुके हैं और रोहित जब लय में आते हैं तो विरोधी टीमों पर प्रलय आती है, ये बात भी लगभग सबको पता है। 2019 विश्व कप में इसका उदाहरण भी देखने को मिला था। रोहित शर्मा ने विश्व कप में जो 7 शतक लगाए हैं उनमें से 5 उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में ही जड़ दिए थे। इस बार विश्व कप के दूसरे ही मैच में रोहित के बल्ले से शतक निकलने का मतलब है कि रोहित कई टीमों के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। भारतीय टीम अपना अगला मैच शनिवार को पाकिस्तान से अहमदाबाद में खेलेगी। रोहित का लय में आना और पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी का लय में ना होना, साथ ही नसीम शाह का चोटिल होना पाकिस्तान की परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ये बात तो लगभग दुनिया की हर टीम को पता है कि रोहित को शुरुआत में ना चलता किया तो विपक्षी टीम को मैच से चलता कर देते हैं। डेली इंसाइडर स्पोर्ट्स डेस्क से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।